बिहार विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, एनडीए की सरकार बिहार में बन गई हो, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब भी लगातार आए दिन नीतीश सरकार को घेरने में लगे हैं। वहीं प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है और कई सारी बातें दोनों ही उप मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव को सुना दी है। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर निशाना साधते रहते हैं, तो वहीं अब इसका जवाब बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने तेजस्वी यादव को दिया है। क्या कुछ कहा है दोनों ही डिप्टी सीएम ने, आप सुनिए। माननीय न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने क्या टिप्पणी की थी जंगल राज के संबंध में, आज उन शब्दों को वो दोहराकर क्या कहना चाहते हैं। कठिनाई क्या है कि उन्होंने जिस तरह से विगत वर्षों में सरकार चलाई और उसके बाद उनका पूरे परिवार का कुनबा जिस तरीके से कारनामे घोटाले दर घोटाले करते चले गए, मैं क्या कहूँ। जिसके पास अपनी गिनती नहीं है, जिसे सरकार ने नकार दिया है, तो ये झूठे वादे और झूठे करने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये तो झूठा आश्वासन है, ये दिखाने का आश्वासन है। और सबसे दुख की बात ये है कि आज वो तैयार हो रहे हैं, वो दिन भूल गए कि एक अनुसूचित जाति जो डोम जाति का शक्ति सिंह का जो हत्या हो गया, उनकी महिला को क्या किए।